कृतिका, वेलकम बैक टू AGTV, दैट इज एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने देखा कौन कौन से मेजर इंसेक्ट पेस्ट परेशान करते हैं कॉटन की क्रॉप को और उनका मैनेजमेंट देखा था। आज की वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी डिसीजेज हैं, कौन कौन से रोग हैं और उनका प्रबंधन जो कपास की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारे रोग, सब कवर करूँगी एक एक करके, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे डिसीजेज को। फर्स्ट है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फोटोज़ में, आपको पता चल जाएगा कि कैसे दिक्कत डालते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कॉटन की क्रॉप को। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की आपको कोई स्टेज नहीं दिखेगी कॉटन की क्रॉप में, कपास की फसल में, कि इसी स्टेज में वो परेशान करते हैं। वो किसी भी स्टेज में दिक्कत डालेंगे, चाहे पौधा छोटा हो, बड़ा हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी स्टेज में परेशान कर सकते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। और इसमें क्या दिक्कत होती है कि पत्तियों के ऊपर लीजन्स हो जाते हैं, वाटरी सोप्ड लीजन्स, मतलब स्पॉट्स हो जाते हैं जो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि छेद आपको पत्तियों के ऊपर दिखेंगे, ब्राउन कलर के इरेगुलर छेद दिखाई देंगे। इससे आप समझ जाएँ कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट की दिक्कत है पौधे पे। इसके मैनेजमेंट के लिए आपको मैंने पहले भी चिली के डिसीजेज जब कवर की थी तो बताया था, कोई भी बैक्टीरिया की दिक्कत हो तो एटलीस्ट एंटीबायोटिक जरूर ऐड करें। आप अगर सिंगल फंगीसाइड भी डलवा रहे हैं तो एंटीबायोटिक डलवाएं, या आप सिंगल एंटीबायोटिक का भी स्प्रे करवा सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या तो कासुगामाइसिन 3% में यूज कर सकते हैं, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ले लें जिसमें एंटीबायोटिक प्लस फंगीसाइड हो, जैसे कासुगामाइसिन 5% आप ले सकते हैं, उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP आता है, या फिर आप एक कोई भी बायोपेस्टिसाइड्स ले सकते हैं जैसे स्यूडोमोनास इनफ्लोरोसेंस है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कवर करेगा, मतलब होने नहीं देगा, और नेमेटोड्स की जो दिक्कत होती है उसको भी नहीं करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। स्क्रीन पे फोटोज देख पा रहे होंगे आप। सार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट सिर्फ और सिर्फ मैच्योर प्लांट्स में और ओल्डर लीव्स में आपको दिखेगा ये बीमारी। इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज जब आती है सार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की, तो रेडिश कलर के लीजन्स, रेडिश कलर के स्पॉट्स आपको पत्तियों पे दिखाई देंगे, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो लीजन्स हैं, स्पॉट्स हैं, ये बड़े होंगे, येलो में कन्वर्ट होंगे और येलो से ब्राउन या ग्रे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक फंगल इन्फेक्शन ही है, तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट में फंगीसाइड यूज़ करना है, जैसे मैनकोजेब 75% WP और कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP, या फिर क्लोरोथेनोनिल यूज़ कर सकते हैं 75% WP, या फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% के साथ टेबोकोनाजोल 18.3% SC का यूज़ कर सकते हैं। सबकी फोटोज़ मैं स्क्रीन पे दे दूँगी जिस ब्रांड से वो फेमस हैं। आपको उस ब्रांड से मिले तो ठीक है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको इस कॉम्बिनेशन में, इस परसेंटेज में कोई भी ब्रांड से मिले आप यूज़ कर सकते हैं। डोजेज जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रे मिल्ड्यू। ग्रे मिल्ड्यू के सिम्टम्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यूजुअली ग्रे मिल्ड्यू जो होते हैं वो ओल्डर लीव्स के लोअर कैनोपी पे आपको हमेशा दिखाई देंगे, और ये तब दिखाई देंगे जब डेंडू ऑलरेडी बन जाते हैं, मतलब जब बॉल्स सेट होने लगते हैं उस समय पे आपको दिखाई दे सकते हैं। इरेगुलर ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स आपको दिखेंगे, मतलब कोई आकार नहीं रहेगा, कहीं भी आपको किसी भी आकार के स्पॉट्स दिख सकते हैं। पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और ग्रीन लीव्स जो होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो गिरने भी लगती हैं, झड़ने लगती हैं। आपको पत्तियों की ऊपरी सतह पे और निचली सतह पे वाइट कलर का पाउडर की ग्रोथ होते हुए दिखेगी, तो आप समझ जाएं कि ग्रे मिल्ड्यू का असर है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए आप फिर से फंगीसाइड का यूज़ करें, क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो आप फंगीसाइड में थायोफेनेट मिथाइल 70% WP यूज़ कर सकते हैं, और कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP यूज़ कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 5% EC का यूज़ कर सकते हैं, या टेबोकोनाजोल 50% के साथ ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WG का यूज़ कर सकते हैं। अगेन स्क्रीन पर फोटोज़ आपको दिख गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉटन रूट रॉट। जड़ सड़न कैसे होती है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन के थ्रू ही होती है। कॉटन रूट रॉट में जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो होने लगेंगी या तो फिर ब्राउन्स कलर की होने लगेंगी 24 से 48 घंटे बाद। जैसे ही वो ब्राउन्स होती हैं, उसके 24 से 48 घंटे बाद जो ऊपरी पत्तियाँ होती हैं उनमें विल्टिंग दिखाई देगी। विल्टिंग मतलब एकदम सूख से जाएंगे पौधे, जैसे उनमें कभी पानी नहीं दिया हो, ऐसे हो जाते हैं और सडनली ख़त्म हो जाते हैं। जड़ सड़न की वजह से कोई भी न्यूट्रिशन अपटेक पौधा कर नहीं पाता है जड़ों से, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अगेन ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसीलिए आपको एक फंगीसाइड यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP यूज़ कर सकते हैं, थायोफेनेट मिथाइल 70% WP यूज़ कर सकते हैं, या आपको मैंने पहले भी ट्राइकोडर्मा विरिडी के बारे में बताया था, वो यूज़ करेंगे आप तो फंगल इन्फेक्शन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए सीड ट्रीटमेंट भी करें ट्राइकोडर्मा विरिडी से, और ज़मीन पर भी आप डलवा सकते हैं FIM में मिलवा के, फार्म यार्ड मैन्योर में मिलवा के 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम विल्ट। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको फोटोज़ दिख रही होंगी कैसे होते हैं फ्यूजेरियम विल्ट। वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम विल्ट
आपको तब दिखाई देंगे पत्तियों कॉटन के क्रॉप में, जब डेंडू ऑलरेडी बन गए हैं, बॉल्स ऑलरेडी बन गए हैं, तब आपको दिखाई देते हैं। पत्तियाँ ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और जो इफेक्टेड लीव्स होती हैं वो गिरने लगती हैं, और पिंकिश डिस्कलरेशन आपको जो पुराने स्टेम रहेगी, वुडी टिश्यूज रहेंगे, उसमें आपको दिखाई देती हैं। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए फंगीसाइड का यूज़ करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी आपको मैंने पहले भी बताया, उसका यूज़ करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से FYM में मिलवा के, या फिर कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP, कासुगामाइसिन 5% के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP का यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेरिया लीव स्पॉट। अल्टरनेरिया लीव स्पॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फोटोज कैसे दिखते हैं। अल्टरनेरिया लीव स्पॉट में आपको ब्राउन ग्रे कलर के स्पॉट धब्बे दिखाई देंगे, और जो उनके किनारे रहेंगे वो पर्पल दिखाई देंगे लीव्स के, और ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से जो कॉटन होता है वो गिरने लगते हैं पौधे से, डेंडू गिरने लगते हैं, बॉल्स गिरने लगते हैं जिन्हें कहते हैं। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में आप मैनकोजेब 75% WP यूज़ कर सकते हैं, थायोफेनेट मिथाइल 70% WP यूज़ कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीटाजिम 48% EC का यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे कुछ डिसीजेज़ मैंने कवर की कॉटन की। आपको और कौन सी वीडियोज़ देखनी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं वो बना पाऊँगी। अभी के लिए आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।